हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अरमान इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए, हम जिस कमेंट्स पे आज बात करेंगे वो हमारे दोस्त ने कमेंट लिखा था कि हमें इस तरह का बोर्ड बनाइए जिसमें ज़्यादातर सॉकेट हो। तो दोस्तों, मैं बोर्ड की वायरिंग करने का तरीका लेके आया हूँ। इसमें देखिए एक दोस्तों, ये एक इसमें फ्यूज़ है, ठीक, और एक इंडिकेटर है दोस्तों, ठीक है, और इसमें दो 5-पिन सॉकेट हैं और 3 2-पिन सॉकेट। दोस्तों, मैं इसकी वायरिंग करने का आपको बहुत आसान और बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा और बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा। दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हम इसकी वायरिंग करने का आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे। दोस्तों देखिए, रेड कलर का हमने फेस में लगाने के लिए, लाइन में लगाने के लिए तार ले लिया और फेस हम सबसे पहले देंगे ये फ्यूज़ में। ये जो हमारा फ्यूज़ है, हम फ्यूज़ में फेस देंगे। ये देखिए, फ्यूज़ में फेस दे दिया दोस्तों हमने। अब हम जो भी वायरिंग करेंगे वो हम फ्यूज़ से फेस काट कर करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, फ्यूज से फेस काट कर हम देंगे इंडिकेटर को, ठीक है। फेस काट कर हम दे देंगे ये देखिए इंडिकेटर को। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप हमारे जो सेकंड चैनल है इलेक्ट्रिक गुरुजी को देख रहे हैं, उसकी वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे हैं और जिस तरह से आप उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप उसे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, फ्यूज़ से फेस काट लिया दोस्तों हमने और हम देते हैं इंडिकेटर को। दोस्तों, हम अपने दूसरे चैनल का लिंक इलेक्ट्रिक गुरुजी का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ वहां पर जाइए, उसको क्लिक कीजिए और उसको सब्सक्राइब करिए, उसकी वीडियो को लाइक और शेयर करिए। ये देखिए, फ्यूज़ से फेस काट कर हमने दे दिया इंडिकेटर को, ठीक है दोस्तों। अब यहीं से फ्यूज़ से फेस काट कर हम देंगे ये अपने सॉकेटों में, क्योंकि दोस्तों सॉकेट हमारे डायरेक्ट चलेंगे, कोई स्विच नहीं है इसे, तो डायरेक्ट ही चलना है। देखिए, हमने दोस्तों वायर को इस तरह से इसकी पीवीसी हटा दी ऊपर से, अब हम इसमें सॉकेटों में दे देंगे। दोस्तों, आप हमें जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमने तीनों सॉकेटों फेस दे दिया है, अब हमारे 2-पिन सॉकेटों फेस दे दिया, हम यहीं से ज्वाइन करके दोनों 5-पिन सॉकेटों में भी फेस दे देंगे। दोस्तों, आप हमें कमेंट ज़रूर लिखा करें किस तरह की आप हमें वीडियो चाहते हैं, हम वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। और दोस्तों, एक बात और, आप हमारी वीडियो से कितना सीख रहे हैं और क्या सीखते हैं आप, वो भी हमें कमेंट्स में लिखा करें। हमें बहुत खुशी होती है कि आप हम आपको कुछ सिखा पा रहे हैं। तो अगर आप हमारी वीडियो से कुछ सीखते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स ज़रूर लिखा करें। देखिए, 5-पिन सॉकेट में दे दिए, इस वाले 5-पिन सॉकेट में भी फेस दे देंगे।
ये देखिए हम यहीं से इस वाले 5-pin सॉकेट को भी फेस दे देंगे, क्योंकि हमारे 5 ये जो जितने भी सॉकेट हैं ये दोस्तों डायरेक्ट चल रहे हैं, किसी स्विच से कोई इसका कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ये देखिए फेस हमारा दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। ठीक, फेस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों हमें करना यह है कि बोर्ड में हम देंगे दोस्तों न्यूट्रल। ठीक है, फेस देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, वायरिंग करते समय अच्छे तार के अच्छे सॉकेट का इस्तेमाल करें, जिससे कि आप अगर मेहनत करते हैं तो बोर्ड आपका कुछ चले, सॉकेट जल्दी ख़राब ना हो। ये देखिए अब हमने कर लिया है, हमने ब्लैक कलर का तार ले लिया न्यूट्रल में लगाने के लिए। और ये हमने देखिए इस तार की भी पीवीसी हटा दी है, तो हम डायरेक्ट सब में दे देंगे। दोस्तों देखिए हमने ये पूरे जी देखिए इसमें हमने सॉकेटों में फेस दे दिया है, वो न्यूट्रल दे दिया दोस्तों हमने, देखिए ब्लैक कलर का न्यूट्रल दे दिया हमने सबने। अब हम ये हमारा एक 5-pin सॉकेट रह गया, इसमें हम यहीं से न्यूट्रल कनेक्ट उठा के और इस 5-pin सॉकेट को भी न्यूट्रल दे देते हैं। ये देखिए हम इस वाले सॉकेट को भी न्यूट्रल दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये न्यूट्रल हमने दे दिया। अब यहीं से उठा के, क्योंकि हमें न्यूट्रल तो वैसे भी कॉमन ही होता है, देखिए दोस्तों न्यूट्रल ये हमारा दे दिया हमने। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रल हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों हमें यहीं से न्यूट्रल उठा के, क्योंकि इंडिकेटर को भी न्यूट्रल चाहिए होता है, तो हम यहीं से न्यूट्रल उठा के इंडिकेटर, ये हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर को भी यहीं से न्यूट्रल उठा कर दे देते हैं। ठीक, दोस्तों देखिए यहाँ से न्यूट्रल ज्वाइन करके हम इस इंडिकेटर को भी न्यूट्रल दे देंगे। ठीक है, यहाँ से इंडिकेटर को न्यूट्रल दे देंगे। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रल हम यहाँ से दे देते हैं। दोस्तों वायरिंग पूरी कंप्लीट हो गई, एक बार हम आपसे फिर से बता देते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले फ्यूज में हमने ये रेड कलर का फेस दिया, फिर फ्यूज से फेस काट कर हमने दिया इंडिकेटर को, और यहीं से हमने दे दिया ये 5 सॉकेटों में। फिर हमने न्यूट्रल दिया ब्लैक कलर का, ये 5 सॉकेटों में दे दिया है। ठीक दोस्तों, और फिर हमने ये दिया इंडिकेटर को, इंडिकेटर को भी न्यूट्रल देना होता है। ठीक है, आइए हम दोस्तों ये देखिए बोर्ड में करंट दे दिया, इंडिकेटर चल रहा है, हम ये डायरेक्ट हमारे सब सॉकेट हैं, देखिए चल रहा है ये सॉकेट, इसका सोच से कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए सब न्यूट्रल हमारे, सब हमारे सॉकेट काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए और ये सारे सॉकेट
काम करना है, सिर्फ एक फ्यूज से हमने कनेक्ट करेंगे। देखिए फ्यूज निकालने से सब कुछ पूरी लाइन बंद हो जाएगी, इंडिकेटर भी बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना कि आप कितना सीख रहे हैं हमारी वीडियो से। और वीडियो देखने बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।